हाय गाइस, मैं शांत हूँ। आप देख रहे टैक्टिकल शॉन स्टूडियो में। मैं आपको एमए यूए 12 और एमए यूए 12.5 के लिए तीन इंटरेस्टिंग थीम सजेस्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एमए यूए 12 या एमए यूए 12.5 के लिए अगर आप न्यू थीम सर्च कर रहे हो तो आप ये सब थीम्स ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट थीम का गूगल का फोल्डर माइकन पैक देखेगा तो उसमें वो काफ़ी सिंपल और आपको डिफरेंट टाइप का जो आइकन पैक देखने को मिल जाता है। अगर आप उसका विजिट देखेगा होम स्क्रीन तो उसमें भी आपको जो रेड एंड व्हाइट विजिट देखने को मिल जाता है। होम स्क्रीन और टूल का फोल्डर में भी जो है आपको काफ़ी क्लीन और मिनिमल जो आइकन पैक देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं काइंड ऑफ डिफरेंट आइकन पैक है बट क्लीन और मिनिमल है। और अगर आप उसका जाइएगा कंट्रोल सेंटर में तो कंट्रोल सेंटर जो है आपको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा। रेड अगर आप अनेबल कीजिएगा, डिसेबल कीजिएगा, तो आपका जो है वाइट रहने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टाइप का लुक है। तो अगर आपको एक इंटरेस्टिंग सा थीम चाहिए था जो कि आपको रेड और व्हाइट में कॉम्बिनेशन देखने मिले तो ये थीम ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको सेटिंग्स मिले तो सेटिंग्स में आपको कलरफुल टॉगल्स देखने को मिलेगा, ब्लैक बैकग्राउंड, व्हाइट फॉन्ट या टेक्स्ट, आप जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हैं। बट जो कुछ कुछ इसमें आइकन्स जो मिसिंग देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं मी अकाउंट गूगल है, सबका आइकन्स जो मिसिंग देखने को मिलेगा। बट बाकी ओवरऑल थीम जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसका अबाउट फोन में जाएगा तो उसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। ऑल स्पेक्स में जो आपको चेंजेस देखने को मिलता है जो कि इंटरेस्टिंग है। और अगर आप जाइए इसका एडिशनल सेटिंग में तो एडिशनल सेटिंग में भी जो है आपको देखने को मिल जाता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले नया टाइप का, जो कि आप देख सकते हैं। तो आई गेस आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हुआ थीम, मेरे को तो ये थीम अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो डायलर है वो भी आपको चेंज कर दिया गया, टॉगल टैक्स और जो है फॉन्ट, ओवरऑल जो लुक इसमें आपको डायलर में भी नया देखने को मिलता है, जो कि रेड ब्लैक और व्हाइट में देखने को मिलता है, कॉम्बिनेशन थीम का है। तो ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ रेड व्हाइट और ब्लैक में थीम चाहिए था। अगर आप उसका लॉक स्क्रीन देखिए तो लॉक स्क्रीन आपको सिमिलर विजिट देखने को मिलता है, बट इसमें आपका रेड कलर नहीं देखने को मिलता। वॉलपेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, क्योंकि ये जो वॉलपेपर इस थीम मतलब इस आइकन पैक और विजिट के साथ काफ़ी मैच कर रहा था, जो कि आप मतलब बोल सकते कि अच्छा ओवरऑल अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो वॉलपेपर इंटरेस्टिंग है, ओवरऑल लुक जो है लॉक स्क्रीन को काफ़ी सिंपल है। अगर आपको डेली यूज़ के लिए चाहिए तो ये सब थीम्स आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको सिंपली ये डाउनलोड करना है तो जाइए थीम स्टोर में, सर्च कीजिए रेड लाइन एक्स, जैसे आप सर्च कीजिएगा रेड लाइन एक्स तो आपको ये थीम जो है मिल जाएगा। जाइए डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा ये थीम। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसा थीम सजेशन और अपडेट रिलेटेड वीडियोस के लिए तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप देखिए इसका सेकंड थीम, तो सेकंड थीम जो है मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। इसका आइकन पैक उतना इंटरेस्टिंग नहीं है बट ओवरऑल अगर आप बोले तो थीम काफ़ी इंटरेस्टिंग। अगर आप उसका गूगल का फोल्डर में आइकन पैक देखिए तो उसमें वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है मतलब स्क्वायर आइकन पैक देखने को मिला राउंडेड एजेस के साथ। और अगर आप होम स्क्रीन में जाएगा तो ये आपका जो स्टॉक एंड्रॉइड इंस्पायर विजिट देखने को मिलता है। और आपका आइकन पैक टूल का फोल्डर होम स्क्रीन में जो काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप का 3D टाइप का देखने को मिल रहा है, जो कि आपका उतना मिनिमल नहीं है बट अच्छा मतलब आइकन पैक चल जाएगा। और अगर आप उसका कंट्रोल सेंटर में जाइए तो कंट्रोल सेंटर जो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट ब्लर्ड आउट देखने को मिल रहा है और आपको कलरफुल टॉगल्स देखने को मिल जा रहा है। अनेबल करने के बाद डिसेबल रहेगा तो आपका ट्रांसपेरेंट ओवरऑल रहने वाला व्हाइट के साथ, जो कि आप देख सकते हैं। मेरे को इसका कंट्रोल सेंटर कुछ ज़्यादा ही मतलब इंटरेस्टिंग लगा। और अगर आप उसका सेटिंग्स में जाइएगा तो सेटिंग्स में जो है आपको ब्लैक बैकग्राउंड, कलरफुल स्क्वायर टॉगल्स राउंडेड एज के साथ और आपको जो है टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। और इसमें भी जो है एक दो आइकन्स जो है मिसिंग देखने को मिलता है, जो कि मी अकाउंट है और गूगल का जो अकाउंट वाला है उसमें आपको जो आइकन मिसिंग देखने को मिल जाएगा। ऑल स्पेक्स में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, अबाउट फोन में कुछ चेंजेस नहीं होता है। और अगर आप चाहिए इसका एडिशनल सेटिंग में तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले जेस्चर जो वो भी आपको चेंज देखने को मिल जाता है इस थीम में भी, जो कि आई गेस ये भी थीम इंटरेस्टिंग है उस हिसाब से। और अगर आप उसका डायलर में जाइए तो डायलर में जो आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है, ब्लू कलर का जो डायलर टॉगल है वो आपका चेंज कर दिया गया है। और ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग थीम है, जो कि अगर आपको ट्राई करना है तो ये थीम ट्राई कर सकते हैं। बस इसका आइकन जो है मेरे को थोड़ा ऊपर नीचे लगा कि थोड़ा और चेंज हो जाता आइकन या कुछ अलग आइकन रहता तो अच्छा लगता। बट अगर आप उसका लॉक स्क्रीन देखिए तो लॉक स्क्रीन आपको काफ़ी सिंपल सा ऑक्सीजन वॉइस जैसा आपको लुक थोड़ा बहुत देखने को मिल जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। आप लेफ्ट तरफ स्वाइप कीजिए तो आपको म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मिडिल में आपको जो है विजिट देखने को मिलता है डेट एंड टाइम का। और अगर आप लेफ्ट राइट तरफ स्वाइप कीजिए तो इसमें जो आपको काइंड ऑफ कंट्रोल सेंटर टाइप का सामान कुछ देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि आपको जो कुछ टॉगल्स, कुछ विजिट्स और कुछ ऐप्स का जो है टॉगल्स देखने को मिल जाता है, जो कि डायरेक्टली वहाँ से एक्सेस आप कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ, वाईफाई ये सब देखने को मिल जाता है। और अगर आप डबल टैप कीजिए तो म्यूजिक आपका ओपन हो जाएगा। और इसमें जो है बस वही सब शो कर रहा है, मेरे को लगा उसमें डबल टैप या ट्रिपल टैप कुछ भी करने से कुछ नया ओपन होने वाला है सेटिंग्स वेटिंग, बट ऐसा कुछ है नहीं। इसका आप डायरेक्टली सेटिंग्स को टॉगल कर सकते हैं राइट स्वाइप करके। तो अगर आपको ये सिंपल ये जो थीम है डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको सर्च करना होगा ऑसमनेस। जैसे आप सर्च कीजिए ऑसमनेस तो आपको ये जो ऑसम थीम आपको मिल जाएगा, तो ये सर्च कीजिए ऑसमनेस।
आपको शायद ये थीम अच्छा लगा इसका लॉक स्क्रीन के लिए। तो अगर आपको इसका लॉक स्क्रीन चाहिए तो जाइए डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा ये थीम, नीचे कमेंट प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और बस मिलेंगे रोज फिर ऐसे ही। और अगर आप लास्ट थीम देखिए तो लास्ट थीम जो ये आपका काइंड ऑफ स्टॉक एंड्रॉइड से इंस्पायर है, चूंकि आप देख सकते हैं इसका गूगल का फोल्डर पिक्सल का जो आइकन पैक है उससे इंस्पायर्ड आपको वही आइकन पैक देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन में, जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वॉलपेपर मैं लगा कर रखा हूँ। उसमें आपको विजिट एट अ ग्लांस वाला देखने को मिलता है। होम स्क्रीन और टूल का फोल्डर में भी जो स्टॉक एंड्रॉइड से इंस्पायर आइकन पैक देखने को मिल जाता है, चूंकि आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो है स्टॉक एंड्रॉइड से इंस्पायर थीम है। कंट्रोल सेंटर में अगर आप चाहिए तो कंट्रोल सेंटर जो इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आप देख सकते हैं ब्लैक बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट नहीं है बट ब्लैक बैकग्राउंड, आपको जो डिफरेंट टाइप का टॉगल्स देखने को मिल रहा है, काफ़ी कलरफुल हो जाता है अनेबल करने के बाद। तो मेरे को पर्सनली ये जो मतलब थीम है ये अच्छा लगा, क्योंकि इसका कंट्रोल सेंटर काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाला। और अगर आप उसका सेटिंग्स में जाए तो सेटिंग्स में जो आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला लुक देखने मिलेगा, जो कि आपका जो है एंड्रॉइड 10 आई गेस, क्योंकि मैं भूल चुका बहुत दिन से स्टॉक एंड्रॉइड यूज़ नहीं किया हूँ और ना कस्टम रूम्स आजकल यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको जो एंड्रॉइड 10 जैसा पूरा लुक देखने मिल जाएगा टॉगल्स। और अगर आप जाइए इसका अबाउट फोन में तो अबाउट फोन में जो कुछ नया देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं MIUI 12 का लोगो रिप्लेस कर दिया गया। ऑल स्पेक्स में भी जो है कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप जाइए इसका एडिशनल सेटिंग में तो एडिशनल सेटिंग में भी जो है एडिशनल सेटिंग में भी आपको जो है जैसे कि जेस्चर चेंज कर दिया गया, ओवरऑल लुक जो वो भी आपको कोई और थीम का मिक्स करके डाल दिया गया। तो दो तीन थीम जो है इस थीम में मिक्स किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और अगर आप इसका जाइए डायलर में तो डायलर में जो है आपको कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलता। आई होप कि चेंजेस होना चाहिए तो बट हुआ नहीं, अब जैसा है वैसे ही है। बस ये आपका लास्ट थीम। और अगर आप चाहिएगा इसका लॉक स्क्रीन में तो लॉक स्क्रीन जो है ये आपका एंड्रॉइड 12 से इंस्पायर है, जो कि आप देख सकते हो। उसका विजेट मेरे को पर्सनली नहीं पता क्यों उसका विजेट इतना अच्छा लगता है और मैं आपको भी सजेस्ट करते रहता हूँ। तो उसका विजेट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका वॉलपेपर अगर आप चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं वॉलपेपर दे दूंगा। और अगर आप चाहिए तो उसमें आपको कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ब्लैक, टर्न ऑफ, टर्न ऑन और सेव का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अगर आपको सिंपली ये थीम को डाउनलोड करना तो ये सर्च कीजिए पिक्सल एंड्रॉइड 12। जैसे आप सर्च कीजिएगा पिक्सल एंड्रॉइड 12 तो आपको ये थीम जो है मिल जाएगा। ये बेस्ट एक्सपीरियंस है डार्क मोड के साथ, आपको इस थीम में मिलने वाला तो चाहिए। डार्क मोड टर्न ऑन कीजिए, सर्च कीजिए पिक्सल एंड्रॉइड 12 और बताइए आपको कैसा लगा ये थीम अप्लाई करने के बाद। और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि थीम अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो चाहिए वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप जो बेल आइकन को टैप कर सकते हैं, बेल आइकन को टैप कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी कमेंट, कुछ भी सजेशन, कुछ भी रिकमेंडेशन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मतलब कल कुछ से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि जो है एंगेजमेंट बढ़ा रहे। और लाइक वाइक कर दीजिए जो भी आपको मन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय।